तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हंसी भी आ रही है बीजेपी की इस हालात पे कि किस हद तक बीजेपी की हालत ग्राउंड पे इतना कमज़ोर हुई होगी, किस हद तक बीजेपी का वोट शेयर कमज़ोर हुआ होगा कि 27 साल पुरानी सरकार की बीजेपी पार्टी ने मुद्दों की राजनीति को छोड़ के वीडियो की राजनीति पे आना पड़ा है। जनता जब इनसे सवाल पूछ रही है कि 27 साल में आपने महंगाई कम क्यों नहीं करी, बताइए कि महंगाई कम कैसे करेंगे, तब बीजेपी वाले बोलते हैं कि महंगाई का तो जवाब नहीं है, वीडियो देख लीजिए। जनता जब इनसे पूछती है कि बेरोजगारी का इतना ऐतिहासिक स्तर क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, बताइए हमें, बीजेपी पूछती है बेरोजगारी का तो जवाब नहीं है, आप भोपाल का वीडियो देख लीजिए कोई और वोट दे दीजिए। जनता युवा जब ये पूछते हैं कि गुजरात में इतने पेपर लीक क्यों होते हैं, पेपर क्यों फूटते हैं इतने सारे, बीजेपी वाले बोलते हैं कि पेपर तो बीजेपी के नेता फोड़ रहे, इसका जवाब नहीं है, आप कोई भोपाल का कोई वीडियो देख लो और वोट दे दो हमें। जनता जब पूछ रही है कि गुजरात में इतनी सारी सड़कें टूटी हुई क्यों है, क्यों इतना भ्रष्टाचार है, बताइए जवाब दीजिए, बीजेपी वाले बोलते हैं भ्रष्टाचार का तो कोई जवाब नहीं है, भोपाल का कोई वीडियो देख लीजिए और वोट दे दीजिए हमें। इस गुजरात की महिलाएं पूछ रही है कि इतने धड़ल्ले से यहाँ शराब बिक रही है, दो सालाना 20,000 करोड़ रुपए का गैरकानूनी शराब बिक रहा है, कौन बेच रहा है, क्यों बिक रहा है, जब महिलाएं पूछ रही है तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि गैरकानूनी शराब का जवाब नहीं है, आप भोपाल का कोई वीडियो देख लीजिए और हमें वोट दे दीजिए। कुल मिला के बीजेपी के इतने खराब दिन आ चुके हैं गुजरात में कि ना तो वो अपने काम बता पा रहे हैं, ना किसी मुद्दे पे विरोध भी कर पा रहे हैं। कुल मिला करके बीजेपी पार्टी इतनी डरी हुई, इतनी बौखलाई हुई, इतनी बैकफुट पे है कि वो कहती है कि किसी का कोई पुराना 50 साल 10 साल 20 साल पुराना कोई चीज देख लो और हमें वोट दे दो, क्योंकि हमने और तो कोई काम किया नहीं है। मुझे तरस आती है बीजेपी के इस हालत पे, दया भी आती है, हंसी भी आती है। गुजरात की जनता ने इस बार ठान लिया है कि हम स्कूल देखेंगे दिल्ली के, हम अस्पताल देखेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक देखेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली को देखेंगे, हम और कोई चीज़ नहीं देखेंगे। एक तरफ बीजेपी की तानाशाही देखेंगे, बीजेपी का भ्रष्टाचार देखेंगे और दूसरी तरफ 300 यूनिट बिजली फ्री देखेंगे और इस बार झाड़ू को जिताएंगे। थैंक यू। लेकिन गोपाल भाई, आपके पहला वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपको प्रधानमंत्री को ही टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को एक बी टीम बताया कांग्रेस का। देखिए, हम जनता की ए टीम है, हम जनता के लिए अच्छे काम करते हैं। अच्छा मतलब ए से चालू होता है, अच्छा काम। अच्छा काम है स्कूल बनाना, अच्छा काम है अस्पताल बनाना, अच्छा काम है जनता को बिजली देना, अच्छा काम है भ्रष्टाचार मिटाना। तो हम जनता की ए टीम है, जनता के लिए हर अच्छे काम करते हैं। अगर किसी को जलन होती है, किसी को बुरा लगता है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो अपना काम करे, हम हमारे अच्छे काम करते रहेंगे। हम ए टीम है जनता के लिए और जनता हमें पसंद करती है। लेकिन जहाँ तक सवाल प्रधानमंत्री का आता है, गुजरात पूरा जानता है कि लोग यहाँ पे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, लोग सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हैं, लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, उनका सेंटिमेंट अपने बच्चों के साथ है, बच्चे को पढ़ाने के लिए जेब में अगर पैसा नहीं है, डोनेशन मांग रहे, इस सेंटिमेंट का क्या जवाब है। कोरोना में भी लोगों ने देखा कि यहाँ न वेंटिलेटर मिला, न ऑक्सीजन मिला, न अस्पताल में बेड मिला, कुछ नहीं मिला, ये भी सेंटिमेंट था। हजारों लोगों ने अपने परिवार के स्वजनों को गवाया है, अपने आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, इस सेंटिमेंट का कौन जवाब देगा। बीजेपी की भ्रष्ट सरकार के पास 27 साल का हिसाब नहीं है, इसलिए पूरे पूरे राष्ट्रीय लेवल से ही राष्ट्रीय बीजेपी के नेता, गुजरात के नेता, सारे लोग लगे पड़े हुए कि भाई गोपाल का कोई वीडियो देख लो और हमें वोट दे दो। क्या यही रह गया है उनके पास? 27 साल सरकार चलाने के बाद केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि गोपाल की भाषा खराब है इसलिए गुजरात में हमें वोट दे दो, ये कोई बात हो गई? इतनी खराब हालत हो गई आपकी? डर, हमें तो हंसी आती है या क्या बताए कि बीजेपी के ऊपर तरस आती है हमें कि आपकी इतनी खराब हालत हो गई कि आपको अब इस टाइप की राजनीति में जाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी भी बात है कि आप इसे इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि पाटीदारों को इसके लिए पाटीदार युवा के आप इसलिए आपको टारगेट बनाया जा रहा है। तो सही बात है, मैं पाटीदार हूँ, मैं एक छोटे से गाँव से आता हूँ, मेरी उम्र है 33 साल, 33 साल में राजनीति में कोई अध्यक्ष रहा हो ऐसा न कभी देखने में सुनने में आया है। अगर एक छोटे से गांव से आता हुआ गरीब परिवार का छोटा सा युवा
इतनी बड़ी बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को चैलेंज करता है, तो इन लोगों को मिर्ची लगेगी, जलन होगी, और यही जलन है इसीलिए वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर उनको मेरी भाषा से दिक्कत है तो उनकी खुद की पार्टी में इतने सारे लोग भरे पड़े हुए जिनको जिन्होंने पहले अच्छी अच्छी सारी सारी सब गालियां दे दी है, इनको गालियों से तकलीफ नहीं है, इनको पटेलों से तकलीफ है। ये चाहते हैं कि पटेल आगे नहीं बढ़ने चाहिए, पटेल के लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए, पटेल जो है वो पटेल से ये बीजेपी पार्टी नफरत करती है क्योंकि पटेलों ने इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था और ऐतिहासिक लो सीटों पे ला के रख दिया था, तो ये पटेलों को नफरत करते हैं और इसी वजह से वो बार बार मुझे टारगेट करते हैं। और इनकी हालत जो है वो आम आदमी पार्टी के आने से काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो इस टाइप की ओछी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो नहीं, उम्मीदवार पटेल तो से वो मान ही बरोबर करे प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री भी मोटा हो।